सरकार का यह पांचवा बजट है और इस बजट में लगभग 270 बिंदुओं पर केंद्रित किया है और जिसमें शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, बिजली हो, युवा हो, मजदूर हो, सबके लिए अलग अलग घोषणाएं की गई है। एक सबसे बड़ी चिरंजीवनी योजना के बारे में बहुत बहुत बड़े होर्डिंग भी लगे हैं, प्रचार भी बहुत व्यापक तौर पर किया गया है, लेकिन मैं एक इस योजना का एक वानगी आपके पेश करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक सोहनलाल ग्रासिया निवासी सालरिया पोस्ट मालवा का चौरा तहसील कोटड़ा का घर पे कोई काम करते हुए फिसल गया था और फिसलने से उसके हाथ पैर और सिर में चोट आई, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। परिवार वालों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद में उसका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद में जब वो कंप्लीट हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल था मेवाड़ हॉस्पिटल जो चिरंजीवनी योजना में सम्मिलित है, और उस हॉस्पिटल में उस सोहनलाल को 3 लाख रुपए का बिल थमाया। सोहनलाल के पास में पैसा नहीं होने से जमा नहीं करा पाया तो 4 दिन तक उसको और हॉस्पिटल में रखा, इधर उधर से उधार लेकर के वो पैसा उसके पास में जमा कराया, जिसकी और चिरंजीवनी की पूरी आपके ये पूरी फाइल उसके पास साथ में है, बिल भी है, आप बार बार इसको बता रहे हैं। और इसी प्रकार आपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने विद्यालय बहुत खोले, उच्च शिक्षा में भी आपने सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी खोले, लेकिन स्थिति ये है मेरे विधानसभा क्षेत्र में सीनियर विद्यालय में मात्र आपके सेकंड ग्रेड का एक भी अध्यापक नहीं है, वहाँ के जो बालक बालिका हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिए लेकिन उनके पुराने भवन बने हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। इसी प्रकार जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता नहीं है, कक्षा 8 पढ़ने वाले बच्चे आज उनके खुद का नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं, स्थिति ये है। इसी प्रकार आपके कुछ अध्यापक जो अच्छी पहुंच रखने वाले हैं विद्यालयों से डेपुटेशन करा करके अन्य विद्यालय में शिफ्ट हैं। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र है और टीएसपी क्षेत्र होने से नॉन टीएसपी के कुछ अध्यापक हमारे वहाँ पर कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि मुझे हमारे को नॉन टीएसपी एरिया में हमारे को हमारे गांव की तरफ भेज दिया जाए और वहाँ पर यदि स्थान खाली होगा तो हमारे वहाँ के जो भी टीएसपी क्षेत्र के जो भी डिग्रीधारी हैं वो उसमें भर्ती हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर राजकीय कॉलेज भाजपा सरकार में खोला था और उसमें आज की तारीख में लगभग 500 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस कॉलेज में हमारे विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोल दिया जाए तो हमारे इन बालक बालिकाओं को पढ़ने की सुविधा होगी। इसी प्रकार इस कॉलेज में
हमारे पास में पर्याप्त जमीन भी है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल होना आवश्यक है, तो खेल मैदान के लिए भी मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ पर खेल मैदान के लिए कुछ राशि आवंटन करें। और उसके साथ में इस कॉलेज में बाउंड्री की क्षतिग्रस्त है तो उसकी बाउंड्री भी बनाई जावे। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा में CSC भी है और कुछ भवन रहित PSC भी है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कठार में हमारे जो PSC है उस पर भवन निर्माण की राशि स्वीकृत की जावे। एवं हमारे जो पंचायत समिति मुख्यालय सायरा है, जो PSC है उसको CSE में क्रमोन्नत की जावे। और इसी प्रकार जो आपके CSE हो या PSE, वहाँ पर एक्सरा है या ECG है या और भी जो उपकरण है उनको संचालन करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। सरकार से मैं मांग करूँगा कि उनके लिए भी व्यवस्था की जावे। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में आपने गत बजट में किसान कल्याण कोष में कुछ राशि की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उस घोषणा को जमीन तक नहीं पहुंची है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी तरफ भी अपन को ध्यान देने की बात है। उसके अलावा कर्ज माफी आपके चुनाव में आपने घोषणा की थी और अंगुली पर गिनकर बताए थे, 1 से 10 तक गिनती की थी। सरकार बनने के 10 दिन के बाद में हम 2 लाख रुपए तक का सारा कर्जा माफ करेंगे, पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ नहीं किया है। उसके अलावा आपदा हमारे इस वर्ष भयंकर बारिश हुई थी और बारिश के कारण सारी फसल नष्ट हो गई अतिवृष्टि में, तो उसके लिए भी अभी तक किसी प्रकार की कोई जिंसवारी वगैरह नहीं की है, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि इसके लिए भी अधिकारियों को भेज करके उसकी जिंसवारी करके मुआवजा दिलाया जावे। और इस बार DAP और यूरिया के लिए जो लाइन लगाई गई थी, सरकार की विफलता बताती है। हमारे यहाँ पर कृषि के पर्यवेक्षक जो पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भी भरा जावे। इसके अलावा TSP क्षेत्र में कृषि जो कनेक्शन है वो जल्दी नहीं दे रहे हैं। नियम ये है कि जो भी फाइल अपन जमा कराने के बाद में, आवेदन करने के बाद में 90 दिन के अंदर कनेक्शन दिया जाना होता है, लेकिन अधिकारियों से पूछने पर बताते हैं कि सरकार के द्वारा हमारे को ट्रांसफार्म की राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप इसके तरफ भी ध्यान देवे। अच्छा, उसके अलावा जो जले हुए जो ट्रांसफार्म है वो समय पर हमारे यहाँ बदले नहीं जाते हैं और कहा जाता है कि आप कोई साधन लेकर आओ और ले जाओ, इस प्रकार से सरकार इसकी व्यवस्था करे। उसके अलावा एक आपने गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि TSP क्षेत्र में हम सोलर से कृषि के कनेक्शन देंगे। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया और क्वेश्चन में उत्तर आया कि मैंने पूछा कि पूरे उदयपुर संभाग में कितने आपने सोलर से कनेक्शन दिए, उत्तर आया कि भाई हमारे जो जनजाति मंत्री है उनके विधानसभा में भी हमारे बाकी के किसी के कनेक्शन नहीं हुए सौर ऊर्जा के। इसी प्रकार थ्री फेस जो हमारे जो कृषि का जो बिजली दी जाती है वो रात को दी जाती है, रात को नहीं दे करके दिन में दी जावे। इसके अलावा पावर हाउस में जो ठेकेदार द्वारा जो आपके अप्रशिक्षित लोगों को लगा रखा है उनको टाइम पर उनका भुगतान भी नहीं देते हैं, तो आम जनता को उसको समय पर लाइट भी नहीं पहुंचाते हैं,
इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जावे। इसके अलावा एक जल जीवन मिशन है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 85 योजनाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत होने के बाद में टेंडर खुल गए हैं, टेंडर खुलने के बाद में अभी तक उनको वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनका वर्क ऑर्डर जल्दी से जल्दी दिया जावे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी कई तहसीलें और उप तहसीलें खोली गई थी, लेकिन मेरे एक सायरा उप तहसील है और आज़ादी के टाइम से वो तहसील थी। पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में उसको उप तहसील घोषित की गई थी, वहाँ पर भवन भी निर्माण किया गया और जो तहसील बनने के जो मापदंड है वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी तहसील में क्रमोन्नत नहीं किया। तो मैं सरकार से ये भी मांग करूँगा कि वो तहसील बनाई जावे। उसके अलावा पंचायती राज पुनर्गठन में हमारे देवला क्षेत्र में एक पंचायत समिति गठन करने की एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था और उस प्रस्ताव में जो पंचायत समिति बनाने का जो पुनर्गठन की जो भी मापदंड थे वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारण से वो पंचायत समिति हमारी नहीं बनी, इसलिए उस पंचायत समिति को भी बनाया जावे। और एक एकलव्य मॉडल जनजाति आवासीय विद्यालय गोगुंदा में है, उसमें खेल मैदान की व्यवस्था की जावे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं